मंगलवार को शेयर बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली थी, जिसके बाद आज बाजार से सभी को अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी। लेकिन आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार फिर से लाल निशान पर खुला। जी हाँ, आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी दोनों में गिरावट देखने को मिली। मौजूदा स्वास्थ्य हालात का असर साफ तौर पर शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। बाजार में उथल पुथल बरकरार है। पिछले कारोबारी दिन सेंसेक्स 2476.26 अंक यानी 8.97% की बढ़त के साथ 30067.21 के स्तर पर बंद हुआ था। ये अंकों के आधार पर सेंसेक्स की एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा तेजी थी। वहीं निफ्टी 708.40 अंक यानी 8.76% की बढ़त के साथ 8792.20 के स्तर पर बंद हुआ था। तो वहीं आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 397.05 अंक यानी 1.32% की गिरावट के साथ 29,670 के स्तर पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 76.55 अंक यानी 0.87% की गिरावट के साथ 8,715.65 के स्तर पर खुला। इसके बाद बाजार के खुलते ही उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर डालें तो आज आईटी के अतिरिक्त सभी सेक्टर लाल निशान पर खुले। इनमें एफएमसीजी, मीडिया, रियल एस्टेट, मेटल, फार्मा, प्राइवेट बैंक, ऑटो और पीएसयू बैंक शामिल हैं। वैश्विक बाजार में भी इन दिनों उथल पुथल देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजार में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली थी। डाउ जोन्स 0.12% की गिरावट के साथ 26.13 अंक नीचे 22,653.90 पर बंद हुआ। वहीं नैस्डैक 0.33% गिरावट के साथ 25.98 अंक नीचे 7,887 पर बंद हुआ। चीन का शंघाई कंपोजिट भी 0.30% गिरावट के साथ 8.54 पॉइंट नीचे 2,812 पर बंद हुआ। ऐसे में अब शाम तक भारतीय बाजार में क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।